मगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आमदन का जरिया बनाने का फैसला कर लिया गया, जहां तालिब-ए-इल्म तो नहीं आ सके मगर वहां सकाफती तकरीबात, फैशन शोज और दीगर तकरीबात होंगी। डॉक्टर साहब, बीइंग लॉयलिस्ट ऑफ पीटीआई, आपसे बड़ा सादा सा सवाल है कि इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में बदला जाएगा या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो गेस्ट हाउसेज हैं उनको, ऑडिटोरियम को या लॉन को रेंटल स्पेस के तौर पर प्राइवेट पार्टीज के लिए देना, इज इट जस्टिफाइड? रहीम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो उनकी कोई वजह होती है और हम उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए वो एक एग्जांपल सेट करना चाह रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो ऑफिसेज होते हैं, जिस तरह उन्होंने अपने खर्चे कम किए हैं, लाखों रुपए में खर्चे कम हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस के, ये जो कैंप ऑफिसेज खोलने का एक रिवाज था हुकूमत के खर्चे पे, सियासी जो लीडर होते हैं जब वो इक्तदार में आते हैं तो वो अपने चार चार पांच पांच कैंप ऑफिसेज अपने जाती घरों में चलाते हैं और उसका खर्चा हुकूमत देती है, तो इसके ये एक मुल्क, एक गरीब मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की प्रिंसिपल पोजीशन रही है, लेकिन फैसला ये था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में बदला जाएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, मतलब इस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की प्रिंसिपल पोजीशन रही है। आपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाय भैंसे बेची, आपने गाड़ियां बेच दी, आपने कहा कि नहीं इसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी तो नहीं बनाने जा रहे अब आप इसको, तो अपना फैशन शूट्स के लिए या नुमाइशों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। Are you in the favor of this decision कि इसको इस लिए इस्तेमाल किया जाए? प्रॉपर्टीज हैं, लोग यहाँ पर इसको लेना चाहते हैं, ग्लैमर भी होता है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, तो आई एम श्योर कि जो कैबिनेट डिसीजन लेगी हम उसको, दैट विल बी द राइट डिसीजन। नहीं डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर हाउस का ग्लैमर तो है, लेकिन ये दिस इज सिंबल ऑफ फेडरेशन, इसकी अपनी एक सैंक्टिटी है, आपको नहीं लगता उसकी सैंक्टिटी मजरू होगी जब यहाँ पर इस तरह के फैशन शोज प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हो रहे होंगे, यहाँ पर विंटेज कार्स की नुमाइशें हो रही होंगी, ये बैंक्वेट हॉल के अंदर बदल जाएगा, तो इसकी जो सैंक्टिटी है बीइंग सिंबल ऑफ फेडरेशन वो बड़ी मजरू होगी। और आज में ये बात डिस्कस हुई है तो वंस आई नो अ लिटिल मोर अबाउट इट तो फिर मैं आपको अपनी जाती राय भी बड़ी खुशी से दूंगी। अच्छा, अभी इस वक्त मैं वो दे नहीं सक रही। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तो शेवा रहा है, आपको भी पता है कि आप कोई भी डिसीजन करते हैं सोशल मीडिया पे पब्लिक पल्स लेते हैं, उसके बाद आप उस फैसले पर यू टर्न भी बड़ी आसानी से ले लेते हैं, तो जो पब्लिक पल्स है इस वक्त, लोग तो बड़े इस पर एग्रेशन का मुजाहरा कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं आपको, तो आपको लगता है कि इस पर यू टर्न लिया जा सकता है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये यू टर्न की जो आपकी टर्मिनोलॉजी है ये किसी ने दी हुई है, हर इस्लाम का भी यही तरीका है और सब अकलमंद लोग भी मशवरा करके डिसीजन लेते हैं, शूरा का मतलब ही मशवरे से आया है, तो आपने कोई डिसीजन करना है उसमें आप लोगों को, ये तो बहुत जबरदस्त बात है कि आप लोगों को मौका देते हैं वो अपनी ओपिनियन का इजहार करें और फिर आप जो पब्लिक ओपिनियन है उससे आप ड्राइव करें, तो इसमें यू टर्न तो मेरा ख्याल है ये टर्म जो है ना, दिस इज बीइंग यूज्ड बैडली, हमें इसका मतलब समझ के आगे चलना चाहिए। कोई भी डिसीजन जो आप लेते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के काम है उसमें जब तक लोगों की ओपिनियन शामिल ना हो वो डिसीजन, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको तो प्रमोट करना चाहिए कि अवाम को आप मौका देते हैं कि वो अपनी राय बीच में शामिल करें। देखिए ये जो तजवीज फ्लोट होती है का नाम देते हैं तो वो ये टॉप से होती है, उसको आप जो है ना वो एक के जी आपकी, अभी तो कोई डिसीजन हुआ नहीं, एक सजेशन हुआ है और उसमें आप अवाम की राय लेंगे और जो भी नहीं, लेकिन आज कैबिनेट में ये नहीं कहा गया, आज इसको रिजेक्ट नहीं किया गया। 70-75 साल हमारी उम्र होने को है, थोड़ा हमें सोच समझ के डॉक्टर साहब देखे इस फैसले को रिजेक्ट नहीं किया गया, इस फैसले को मौखर किया गया, डिले किया गया है, यानी ये रिजेक्ट नहीं हुआ कहीं कैबिनेट के अंदर, इसको मौखर किया गया है, तो अब क्या सोच विचार होगी इसके ऊपर? आपने खुद ही कह दिया पब्लिक ओपिनियन और फिर डिस्कशन के, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या इसमें फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, तो वो देख लिया जाएगा। पहले टॉप से तरीका होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब एक फैसला कर लेते हैं। देखिए पहले आपने कहा कि इसको एकेडमिक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा, ये फैसला हुआ, उसके बाद एक पब्लिक ओपिनियन थे ना जी, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज थे क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को लेके आना रेड जोन के अंदर, जो भी कोई आगे की उसमें मसाइल थे,
बहरहाल देखते नहीं डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी इश्यूज वहां पर हैं लेकिन यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होंगे जब यहाँ पर बड़े बड़े इज्तम होंगे, जब इसको आप रेंटल स्पेस के तौर पर लोगों को देंगे, यहाँ पर प्राइवेट लोग आएंगे, वहां पर सिक्योरिटी इशू नहीं होगा? यूनिवर्सिटी बनाने में सिक्योरिटी इश्यूज है। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि मैं आज कैबिनेट की मीटिंग में नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं पता, ना ही मैं होती हूँ, तो मैं इसके बारे में आपको कमेंट कर नहीं सकती। मैं एक जनरल आपको मैंने अपना कमेंट दिया। चले डॉक्टर साहब, फेयर इनफ, लेकिन बीइंग लॉयलिस्ट ऑफ पीटीआई, इस वक्त पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट ये है कि कोविड है, कोविड के लिए लोगों को समझाने की जरूरत है कि हिंदुस्तान वाला मामला ना हो जाए। हमें अपनी प्रायोरिटीज और अपने जो इश्यूज है ना, इस वक्त अफगानिस्तान में जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं, और हमारी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को, आर्मी को, सबको सलाम जाता है कि कितनी अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है। एक इस वक्त सख्त क्राइसिस की सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, दिस इशू हैज नॉट बीन टेकन अप बाय द मीडिया, दिस इज बीइंग फ्लोटेड बाय द गवर्नमेंट। इसके ऊपर ये तो गवर्नमेंट ने फ्लोट किया है, जिससे आपकी प्रायोरिटीज पता चलती है, हमें भी पता चल जाएगा और आपको भी। अच्छा चले मुझे वन लाइनर ये बता दें कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी लॉयल जो है वो उनके साथ साथी हैं, मुझे बताएं कि आपकी इस पे पोजीशन क्या है, पर्सनल स्टांस क्या है इसके ऊपर, क्या वजीर आजम हाउस को रेंटल स्पेस के तौर पर दिया जाना चाहिए या आप इस फैसले की मुखालफत करेंगे? जी इसकी डिटेल भी नहीं पता, मैं तो आपसे सुन रही हूँ कि ये जो रेंटल स्पेस के हवाले से, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मैं कैसे उस पर ओपिनियन दे सकता हूं? डॉक्टर साहब, जाने ना जाने, गुली ना जाने।